कंटिन्यूअसली तो पता नॉर्मली नॉर्मली तुझी वाले की गाड़ी का बजट था 3000-4000 ए ए आराम मना बजट और असल बजट और सुनो यार तुझे कितना सुनो जो खाने का इस असली दिमाग की खास ही है ना बच्चा क्या है बच्चा अस्सलाम वालेकुम अदाब नमस्ते सत श्री अकाल रवीज खान हूँ और आप देख रहे हैं रवीज खान जो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी की ईद बहुत ही अच्छे से गुजरी होगी। पहले तो आपको मेरी और मेरे इस छोटे बच्चे की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से ईद गुजारी होगी, सब कुछ अच्छे से ही किया होगा और आपकी सेहत भी ठीक रही होगी। काफ़ी लेट व्लॉग आ रहा है लेकिन बहरहाल मैं सोचा आप सबसे थोड़ा बहुत ईद का व्लॉग शेयर किया जाए ताकि आप भी इंटरटेन हो जाएं और आपको मज़े की बात बताते चलें। हम सुबह से दोनों उठे हैं और सुबह 6 बजे से हम दोनों खेल रहे हैं क्योंकि अबान जी नींद नहीं आ रही थी। तो अबान जी जाहिर सी बात है अगर अबान जी जाग गए तो मुझे सोने नहीं देगा और मुझे भी लाजमी तौर जागना तो है। सो आज कल से मेरा गला भी बैठा हुआ है, काफ़ी बारी बारी सा हुआ है। बहरहाल काफ़ी इन्जॉय किया मैंने और अवान जी ने और देख सकते हैं आप हमने तो मच्छरदारी भी लगाई हुई है क्योंकि मच्छरों का काफ़ी ज़्यादा अटैक था तो इसलिए थोड़ी प्रोटेक्शन लगानी बनती है बॉस। सो अवान जी भी थोड़ा हाय करो सबको अस्सलाम वालेकुम कहो, सबको कहो अस्सलाम वालेकुम कहो। ये थोड़ा काफ़ी बातें करता है ऐसे लेकिन इसकी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। चलो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। ये हम डाला है इसमें आग का चारा, ये देखिए आप कैसे जल रही है। ये टेक्निक होनी चाहिए अफ्रीका के जंगल में काम आने वाला। अफ्रीका जंगल है। देखिए कौन सा मसाला है जो हम जलाते हैं। मैं पहले आखिर ब्लाक दो लगा, बोला था ब्लाक दो लगाओ लेकिन हम ये थोड़ा भूल गए क्योंकि अस्ता वाले को काफ़ी एक्सपीरियंस है। अक्सर आग जलाते रहते हैं, जल तो नहीं जाएगी, ये जल तो नहीं जाएगी। इसके आगे हम फट्टा रखेंगे, खतरा है गाइस। देखिए आप ये पाइप हमारे पास है, रमेश भाई इसको लगाएंगे अभी फट्टा आगे से। हाँ बस डन, जल गई हमारी आग। अब हम इसमें बनाएंगे वैरायटी चरब के साथ देखो बस
देखिए आओ क्या क्या चीज बनाई है शौकत साहब ने जी हुकुम पानी के बाहर दे दिया टैंकी जी कितने सौ बार हो गया साढ़े बार चल निकल भैया मामी
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਦਿੰਦਾ ਨੀ